मेरे 10th क्लास के बच्चों, तो कैसा चला हुआ आपका मैथ? तो हम आज कर रही हैं ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंसेस जो है उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे 9.1। चार क्वेश्चन हमारे हो गए थे, आज 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। ए काइट फ्लाइंग ऑन ए हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है ना, अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने ये काइट दिया हुआ है, ये काइट, ठीक है ना, ये उड़ रहा है एट ए सम हाइट, ठीक है ना, ये उड़ रहा है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है ना, ये आपको ये ओवर ये करना है, तो जो एंगल आएगा वो कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर, ठीक है ना, पहले जो फिगर में दिया हुआ है एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर क्या है आपके पास फिगर में, अगर आप करेंगे तो ये शुड बी, क्या है फिगर में, एम ओ एम पी, ओ एम इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मीटर, ओके। उसके बाद ओ एम के बाद क्या है, एंगल ओ पी एम, एंगल ओ पी एम हमारे लिए दो चीजें बहुत होती है, ओ पी एम इज इक्वल टू 60 डिग्री, वाह, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, पिछले क्वेश्चन में भी शायद 30 मीटर और 30 डिग्री एंगल था, ओके, व्हाट अ कोइंसिडेंट। चलो आगे चलते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दिस स्ट्रिंग, ये होती है रस्सी, इसको हमने टेम्पररी रोड सड़क पे बांध, सड़क पे मतलब कहने का मतलब जमीन पे बांधा हुआ है, तो आपको ये निकालनी है व्हाट इज ओपी, सो वी हैव टू फाइंड आउट ओपी। इसका सबसे बड़ी तरीका कौन सा है भाई, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एम पी है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो दिया है वो नीचे और जो निकालना है वो ऊपर, तो ओपी ओवर ओवर इज इक्वल टू, ठीक है ना, दिस इज ओपी, क्योंकि ये तार की यही जो डोरी नहीं होती है पतंग की उसकी लेंथ निकालनी थी, तो ओपी ओवर ओवर, तो वही पंडित बद्री प्रसाद, आपको पता ही पंडित बद्री प्रसाद का घर बोले, ठीक है। अब सोना चांदी तोले, अभी क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये तो साइन काउट ऑफ है कोसिकेंट, तो ये कोसिकेंट होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यहां तक तो हमने सारे कर लिए बेटा, अभी ये क्या है उल्टा आया हुआ, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एच ओवर पी तो साइन होता कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट, अगर बी ओवर एच होता तो साइन ऑफ थीटा, कई बुक्स में आपको सर करवाते हैं सिंपल वे से साइन ऑफ 60 डिग्री, वो बाद में हमारे लिए टिपिकल बन जाता है, तो मैं इसीलिए इसको बड़ी तरीके से करवा देता हूं जिससे बाद में कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ओपी ओवर ओएल इज इक्वल टू हाउ मच, कोसिकेंट ऑफ कितने डिग्री, 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। अब ओपी कितना है आपके पास, पता नहीं है, ठीक है, ओपी को ओपी रहने दो, ओएल कितना है आपके पास, अगर आप मानना चाहो तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 60, कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोसिकेंट 60 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 2 बाय अंडर रूट 3, ठीक है ना, साइन 60 डिग्री, अंडर 3/2 और इसका उल्टा 2y/3, व्हाट इज ओपी, ओपी इज इक्वल टू 60 × 2y/3, यानी ये आ गया 120/3, मैं एक चीज और देखूंगा, यहां पे मीटर में दिया था, हाँ 60 मीटर दिया तो ये आ गया मीटर में। अभी अगला काम क्या करना है आप लोगों ने, ये अंडर रूट थ्री को अंडर रूट में नहीं रहने देना, इसको खत्म करने का सबसे बढ़िया साधन रैशनलाइजिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको पढ़ने का, अंडर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई, अंडर रूट थ्री के साथ डिवाइड, वही कर दिया मैंने,
तो दैट इज इक्वल टू 120 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 बन जाएगा और वो आ जाता है 3। तो ये आ गया 120 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को मैंने मिस कर दिया था, ये आपने नहीं करना। 3 4 जा 12 0 40 अंडर रूट 3 योर आंसर, 40 अंडर रूट 3 इज योर आंसर। तो अब यहां पे आप लोग लिख दोगे, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्रीन, लेंथ जो चीज पूछी हुई है वैसे लिख दो भाई। लेंथ ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू हाउ मच, 40 अंडर रूट 3 मीटर। मैं वहां यहां पे फिर एक चीज पे चलूंगा, यानी अगर ही इज आस्किंग दैट एग्जैक्ट वैल्यू का, तो 40 अंडर रूट 1.732 ये आपने, ये काम मैंने आपको दे दिया, ये आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो कितनी आती है वो देख लेंगे आप। फिर अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप लोगों के हाथ में काम रहेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कोई चीज, कोई पॉइंट मिस कर गया हूं या कोई पॉइंट आपको अच्छे से समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को क्वेश्चन करना, आपको उस पॉइंट का पूरा रेफरेंस मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। ओके।